21 जुलाई 2008, वो दिन जब हमारा जीएसबीएम के कैंपस में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, या यूं कहिए जन्म हुआ। यहाँ हर एक बंदा एक बड़े सपने लेकर अपना कारवां पूरा करता है और अपने पीछे छोड़ जाता है एक वक्त, ऐसा वक्त जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो नहीं लगता इंजेक्शन से? नहीं लगता। बिल्कुल नहीं? बहादुर बच्चा है, पंकज उमराव है? अच्छा, और बस कोई पिक्चर देखा आके? हेलो भाई, मुझे इतना डर लग रहा था ना उस टाइम पे, मेरे मुंह से डर के मारे मेरा ही नाम बता दिया।
मैं क्या करता। कोई बात ये है कि उन्होंने कहा था कि 10 बजे का टाइम है। 10 बजे का टाइम है भाई। एक टाइम 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 अबे तुम बता रहे हो, नंबर तो नहीं बता दियो। नहीं मैंने हरिओम भाई रूम नंबर में भी बता दिया था। अबे यार यार तुम भाई एक काम कर रहा हो, तुम जाओ ब्लॉक लगा के शरीफ के रूम में बैठ जाओ। तुम लोग डरो नहीं, तुम रैगिंग लेने नहीं आए। सब लाइन से खड़े हो जाओ, अच्छे से सामने आओ। यार ऑयल तो लग रहा है इन लोग के बालों में। यार इन लोगों ने तो बाल में पानी लगा के रखा है। यार कब से कब हॉस्टल रूल्स को फॉलो कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को नाम पता करने के लिए कहा गया था ना। ब्लू दुपट्टे, चलो इसका नाम बताओ। जी जी। तुम्हें नाम नहीं पता? अब इसका नाम पता करना, 100 बार लिख के दिखाना। बढ़िया सी आ रही तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? तुम 200 बार नाम लिख के लाओगे, समझ गए तुम? आ गया चल। नाम काम नाम बता। बस मैं महेंद्र प्रताप से। काम नाम काम बता। बस उरई से। धाम नाम काम बता। बस अभी फंडे की लेर नहीं है तेरे हैं? नाम काम नाम तक नहीं पता अभी तुझे? अबे पता करूंगा बस। क्या कहां से पता करेगा बे? क्या बे नाम कहां से पता करेगा? अभी तक ये याद नहीं हुआ तेरे? बस पता कर लूंगा बस। क्यों बे पता करेगा तुझे? क्यों बे तुझे बहुत हंसी आ रही है? चला गया जरा, चले जरा। जी बॉस। उसकी पूछना मालूम है? जी बॉस। चल पूछ के लिखा। मुस्की पहुंची जेब में डाली, मुस्की पहुंची जेब में डाली, मुस्की पहुंची जेब में डाली। वाह 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 क्या खुशबू आई। अबे ये खुशबू कहां से आई? ये खुशबू श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर के बूढ़े चपरासी के। ये वहां से आई। क्यों भाई तेरे फंडे बहुत क्लियर है? Thank you.
जैसे विरह की ऋतु मैंने काटी, जले तू भी यूं ही आई मन तेरे गाली हो गई, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका पितर से आग से नाता। बस बस चुप, पीछे पीछे। हाँ भाई चल, बहुत तू चल रहा था है? उछल उछल के ताली बजाता है, चल बत्तख की चाल चल के दिखा, हटा हो सही तरह से, चल बत्तख की चाल चल के बता। बाहर निकलो।
तुम अपना रोल नंबर दो, रोल नंबर बताओ, नाम बताओ, रोल नंबर नाम बताओ, बस और कुछ नहीं है तुम्हारा, रोल नंबर और नाम बताओ, कुछ नहीं है हमारे क्लास में, कोई तमाशा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, तुम निकल जाओ, तुम रोल नंबर बताओ, नाम बताओ, सर फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक सर, प्लीज सर, सारा यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। क्या हम दोस्त हो सकते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें भी जानती भी नहीं हूँ। यार मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ और जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं आतिफ, मेरा सीटू से। तो कैन वी बी फ्रेंड्स? बेकरार तू ही बता।
पहला नशा पहला खुमार यो यार अब हमारे भी गुलाब मिलेगी क्या लग रहा है लौंडे अबे सहज भी तो गुलाबी लेनी पड़ेगी अरे लड़के का भैया गाल भी गुलाब हो गया अबे रंग कहाँ से गुलाब ले ले गुलाबी का देख अबे फेसबुक पे लगाएंगे ले 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 भैया परमानेंट कलर है उससे वो तुम लोग अपना काम करो मुझे इनसे सीओ में इन्वॉल्व मत किया अरे यार सुनो तो ये देखो मैं बोल रहा हूं ना मुझे इनसे सीओ में इन्वॉल्व मत किया अरे यार तुम यार हरि भाई तुम नाराज हो यार अरे कैसा है अपन ही अपन एंजॉय करते हैं कोई बात छोड़ो आ जाओ यार अकेला था अकेला है अकेला एक बार हमारा दोस्तों बन गया ना अरे वीकू तू यहाँ कैसे क्या भगवान से पूछने आया था कि मुझ में कमी क्या है क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या मेरे अंदर टैलेंटेड नहीं है लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ हैं मेरे जीवन में इतना सन्नाटा क्यों है यही भगवान से पूछने आया था मैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है यार जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरे यार सेम प्रॉब्लम सेम जो तुम्हारी वो हमारी लेकिन एक बात है एक बॉस है एलएस बॉस वो इन सब मामलों में लड़कों की मदद करते हैं अगर कहो तो उनके पास चलते हैं वो हमारी मदद करेंगे हाँ तो देर किस बात की चलो चलो तुम बता दोगे किसको मोटी को अच्छा सॉरी 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 बाबू सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज मान जाओ ठीक है मैं उसको क्या अंत बार दुनिया किसी लड़की को नहीं देखूंगा मेरी अम्मा बस एक बार माफ कर दे प्लीज प्लीज अच्छा देखो उठक बैठक कर रहा हूँ देखो मेरे पैर दर्द होने लगे माफ कर दो प्लीज आप कन्या का अरे बॉस आप तो महान है बॉस 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 आप
अंतर्यामी है बॉस, कुछ करिए बॉस। कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा वो मेरा एक ग्रंथ उठाओ। ये बताओ तुम लोगों को कैसी कन्या चाहिए? कम खर्च करवाने वाली, ज्यादा खर्च करवाने वाली, या सिर्फ फोन वाली? बस बस कम फोन करने वाली बस दिला दीजिए बस। और तुम्हें? मुझे तो कम खर्चे वाली चलेगी, कम खर्च कराने वाली। देखता हूँ। तुम्हारे लिए तो ग्रामीण करने उपयुक्त रहेगी। ठीक है बॉस, ठीक। और बेटा तुम्हारे लिए कोचिंग वाली दिला देता हूँ, ठीक रहेगा? अरे बॉस जो आप कहें, जैसी आपकी मर्जी। और कोई कष्ट तो नहीं है बालक? और कोई कष्ट नहीं है बॉस। अच्छा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है कृपा शंकर के पास। ठीक है, ये लो भाई। बाइक बॉस? अरे रख लो, बहुत काम आती है इन सब चीजों में। हाँ बॉस सही कह रहे हैं। बॉस बॉस काम तो हो जाएगा ना? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? ये सील, ये मेडल और ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं चीख चीख कर मेरी सफलता की गवाही दे रहे हैं। एलएस कहते हैं मुझे, लसु सम्राट, समझे? सॉरी बॉस, बॉस गलती हो गई बॉस, सॉरी सॉरी बॉस, बॉस तुम्हारी भाभी का जब बर्थडे था तुमने सबको मिस कर दिया। अरे भैया भाई, भाई हमारी भी सुनने को सुनो तो। अरे बताओ आप कहाँ से रहे हो? मस्ती कर रहे हो यार, वो यार गंगाबाड़ तबीयत खराब, तुम्हें कुछ पता भी है? यार हरिओम भाई, 4-5 दिन से क्लास नहीं आ रहे हो, क्या हो गया यार तुमको? 4-5 दिन से बुखार है यार। तू दोस्त है हमारा यार, बता तो देता एक बार यार, एक फोन ही कर दिया होता। अबे यार उसको मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे फिजिकल हेमरेज है। फिजिकल हेमरेज है? हाँ यार, ये तो देख, देखो इसकी तो कंडीशन भी जाने लायक नहीं लग रही है। मैं ऐसा करता हूँ बॉस को फोन करके यही बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ ये सही है, देख लेंगे समझ में भी आ जाएगा। हेलो, हाँ नमस्ते बॉस जी। बॉस नमस्ते बॉस, मैं C2 से बोल रहा हूँ नितिन जी। बॉस बॉस ऐसा है ना कि हमारे पैरा में एक लड़का है हरिओम, और उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। नहीं बॉस वो उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है बॉस, वो आने की कंडीशन में नहीं है। प्लीज बॉस अगर आप आकर यहाँ पर एक बार देख लेते। जी बॉस जी बॉस जी बॉस जी बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। आ रहे बॉस थोड़ी देर में आ रहे हैं, इमरजेंसी से सीधे आ रहे हैं, ठीक है? हो गया। अबे, नमस्ते बॉस, नमस्ते बॉस,
और यहीं पड़े हुए हो। बॉस ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या दिखाई नहीं दे रहा यार, पूछना नहीं है तुम्हें आगे, तुम दोस्त तो इसके। बस एक फोन भी नहीं लगाया, अगर लगाया होता तो क्या रूम पे नहीं आ सकते क्या देखने के लिए? अरे यार क्या बताया होता, सब यूनिटी सब बाहर दिखती है, यहाँ नहीं दिखती हॉस्टल्स में। बॉस क्या हॉस्टल है, छोड़ो कंडीशन सही नहीं है इसकी, तो दवाई लिख दे रहा हूँ और टेस्ट करवा लेना, जब टेस्ट जरूर कराना क्योंकि मुझे लग रहा है डेंगू हो सकता है इसको। ठीक है चलो हम साइंस स्टूडेंट हैं, अगर हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, जाके कितने गांव में।
लाइट नहीं पहुंचती है, पानी नहीं पहुंचता है और हम इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है ना? ठीक है यार, दो बंद कर। कुछ कर गुजरने का जुनून जहां होता है वहां जिंदगी रहती है, खुदा होता है। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहां होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। सपने भी है, दिल में दर्द भी थोड़ा है, थोड़े अरमां भी हैं, रहते हाथों में छाले हैं, किस्मत भी है। रफीक है बुलाए बस चले हम मंजिलों की किसको। अबे सुन, अरे
देख लेंगे। चल 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 के पढ़ाई करते जा। हेलो सारा, मैं नारद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नारद। नहीं नहीं नहीं, वो स्टूडेंट सेक्शन से मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया था। हाँ ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे और आतिफ के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे जब मैं कॉपरेटिव पे था, हॉस्टल में था, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आतिफ का नाम जोड़ा जा रहा है तुम्हारा। नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। हाँ तुम्हारा नाम बदनाम किया जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम बदनाम हो। तुम्हारा नाम हर जगह आतिफ के साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ नहीं, मैंने सोचा कि तुमको बता दूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, बाकी तुम समझ लो। नहीं 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 नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो चलो ठीक है, बाय। सारा तुम मेरी नहीं हो सकी, मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या मतलब, मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड माना था और तुम ये फालतू के रूमर्स उड़ा रहे हो। बट हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं यार, और रूमर्स की बात की, मैंने कब कुछ कहा यार तुम्हें? मैं बहुत कुछ सुनने का आया। क्या हुआ, क्या किसने क्या कह दिया? तुम्हें बताओ, तुम्हें उड़ा रहे हो। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं तुम्हें किसने तो, किसने फाइनली तुम क्या चाहते हो? आई लव यू। देखो मैंने तुम्हें एक फ्रेंड माना था, बट आई एम सॉरी एंड आई एम ऑलरेडी कमिटेड। देखो हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, वो हमेशा रहेंगे, बट इसके आगे कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से, अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। अब तलक सिर्फ तुझ को देखा था, आज तू क्या है ये भी जान लिया। आज जब गौर से तुझे देखा, हम गलत थे कहीं ये मान लिया, गलत थे कहीं ये मान लिया। तेरी हर भूल में कहीं शायद हम भी शामिल हैं गुनहगारों से, अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। Oh!
हो गया। कुछ बचा है क्या? अरे क्या कर रहे हो? ये देखो चाणक की नीति। यार कल एग्जाम है और तुम चाणक की बात कर रहे हो। अरे यार देखो देखो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, देखो इसमें लिखा है कैसे कर सकते हैं। हर नीति अपनाओ। यार तू जा यार पढ़ने दे यार। ये देखो 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 तू जा यार चाणक। यार तू जा यार तू जा तू जा।
तरह हंसते खेलते वक्त गुजर गया और वो घड़ी आ ही गई जब हमें यहाँ से जाना था। रात सिमटी जाएगी और चांद बहता जाएगा, बस रात के हम मुसाफिर हैं यहाँ। ख्वाब बढ़ते जाएंगे और उम्र घटती जाएगी, अरे यहाँ टूटता है आसमान, लेके चला जाने कहाँ ये अजनबी रात के हम मुसाफिर हैं लेके चला जाने कहाँ ये अजनबी शोला
रात सिमटी जाएगी और चांद बहता जाएगा, बस रात के हम मुसाफिर हैं। उसका जॉब लगा था यूएस में, यूएस में डॉक्टर था वो। यूएस में जी चिड़ियाघर वाले ले गए थे क्या वहाँ? जाने आएगा तुम बताएगा खुद ही। अरे मजनू, अरे यार कैसे हो यार, देख के तुझे यार कैसे हो? है बस। कैसा लोधी तू? अरे यार मैं बहुत मस्त। अरे यार तुम लोग की बहुत याद आ रही थी यार, ना कि कॉल ना कांटेक्ट, बड़ी याद आ रही थी यार। तुम आ भाई और कह रहे हो हमसे कांटेक्ट और कॉल की, और बताओ कैसे भाई लोग? अरे वो तो सब छोड़, देख के बहुत अच्छा लगा। ये पता है क्या बताओ? पता है याद है ये पेड़ देख रहा है? अरे यार मत याद दिलाए। अरे यार और मिले भी हम यहीं पे, समझे? याद दिलाए यार, इससे तू काफी जो है काफी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने कॉलेज में कुछ चीजें दिखाता हूँ। और ये अपना कॉलेज घूम लिया पूरा? अरे नहीं अभी तो बस, क्या क्या बदला है यार वो देखो। चलो कॉलेज में बहुत कुछ बदल गया है यार, लेकिन तू तो वैसा का वैसा ही है। अरे एक कहावत सुनी है तुमने? सुना? शेर कभी कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर ही रहता है, और जो बदल जाए वो लोधी नहीं। मुझे भी एक चीज याद आ गई। हाँ, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, इरशाद इरशाद, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। सही। जिंदगी से जिंदगी का वास्ता जिंदा रहे, हम रहे जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। मैं आतिफ पैरा सीटू से, और तुम? सारा चांद का टुकड़ा और साल बीत गया कुछ नहीं उखड़ा, क्या यार मतलब? अरे भाड़ में जाओ तुम,
मर जाऊंगा।